नमस्कार, YouTube चैनल एन इनवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल के फेसबुक ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको HSSC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2015 और कैटेगरी नंबर 27, जो कंप्यूटर हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। यह परीक्षा 25 जून 2017 को आयोजित हुई थी मॉर्निंग शिफ्ट में, और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित 30 प्रश्न पूछे गए थे, और हमने 15 क्वेश्चंस को पहले पार्ट में डिस्कस किया था। बाकी बचे 15 क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 16, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में मोखरा गांव में हुआ था, और रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीत भारत के पदकों का खाता खोलने वाली महिला पहलवान को हरियाणा सरकार ने 24 अगस्त 2016 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से की। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय बायोटेक्नोलॉजी केंद्र बायोटेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के साथ वैश्विक भागीदारी में स्थापित किया गया एक शैक्षणिक संस्थान है, इसका स्थायी परिसर कहाँ स्थित होने की संभावना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, 2016 में विश्व का एक सबसे बड़ा शिल्प मेला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूरजकुंड। 2016 में 30वें सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया, और यह मेला 1 फरवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक चला, और यह फरीदाबाद में है, और इसमें लगभग 20 देशों ने भाग लिया, और 2016 में तेलंगाना को सूरजकुंड मेले में थीम राज्य बनाया गया। अगर मैं बात करूं 2017 के 31वें सूरजकुंड मेले की, इसमें यूरोप अफ्रीका दक्षिण एशिया के तकरीबन 21 देशों ने शिरकत की, और इसका आयोजन भी 1 फरवरी से 15 फरवरी 2017 तक किया गया, और 2017 के 31वें सूरजकुंड मेले में झारखंड को थीम राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर छावनी किस शहर में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंचकुला शहर। अगला प्रश्न है, करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है, उनका नाम बताएं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान का जन्म 1 अक्टूबर 1895 को करनाल में हुआ था, और उस समय करनाल ब्रिटिश भारत पंजाब के अंतर्गत आता था। लियाकत अली खान अंग्रेजों के अधीन भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री भी रहे थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, हरियाणा में भिवानी जिले से विकास कृष्ण यादव ने 2010 के एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुक्केबाजी। विकास कृष्ण यादव का जन्म 10 फरवरी 1992 को सिंगवा खास हिसार जिले में हुआ था। उनके पिता कृष्ण कुमार यादव बिजली विभाग में कर्मचारी हैं। 1994 में अपने पिता के साथ भिवानी शिफ्ट हो गए, और 2003 में 10 वर्ष की आयु में भिवानी बॉक्सिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया। बाद में पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट से भी ट्रेनिंग ली। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की, और 2010 में नई दिल्ली में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में भी बेस्ट बॉक्सर रहे, और इसके अतिरिक्त 2010 में एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और 2014 में एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, 2015 एशियन चैंपियनशिप बैंकॉक में सिल्वर मेडल, 2017 एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, और 2012 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और वर्तमान में हरियाणा राज्य के बिजली विभाग में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है,
फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिकेट। फरीदाबाद में नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम को 1981 में बनवाया गया था। स्टेडियम में 25,000 लोगों की बैठने की क्षमता है और यहाँ पर एक कमरे के साथ 200 लोगों के लिए आधुनिक पवेलियन भी है और स्टेडियम के बाहर एक टेनिस कोर्ट का भी निर्माण किया गया है। इस स्टेडियम को मयूर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंसेस कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भिवानी। यह भिवानी की महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई है। 12 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना वर्ष 1943 में की गई थी और उस समय इसके फाउंडर जीडी बिरला थे। जीडी बिरला का पूरा नाम घनश्याम दास बिरला था और यह इंस्टीट्यूट 113 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर 4 बुआए और 1 गर्ल हॉस्टल की व्यवस्था है और यह भिवानी रेलवे स्टेशन के अपोजिट बिरला कॉलोनी में स्थित है और इसमें कताई तथा प्रोसेसिंग का कार्य भी होता है और इससे तैयार माल बांग्लादेश, तुर्की, बेल्जियम आदि देशों को भेजा जाता है और यह इंस्टीट्यूट भारत के पुराने कॉलेजेस में शुमार है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र जिला किस वन्य जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। यह अभयारण्य कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदा गांव में स्थित है और कुरुक्षेत्र से लगभग 29 किलोमीटर में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है और यह 29 किलोमीटर में विस्तृत है। यह अभयारण्य शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। पर्यावरण की दृष्टि से इसे संवेदनशील क्षेत्र भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में BILT बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम किस शहर में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यमुनानगर। अगला प्रश्न है, हरियाणा में गुरुद्वारा नीम साहिब किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैथल में। गुरुद्वारा नीम साहिब यह कैथल में प्रताप गेट के निकट स्थित है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी मालवा प्रदेश की यात्रा करते हुए परिवार सहित कार्तिक बदी 7 संवत 1723 शाम को कैथल के ठंडर तीर्थ पर आए थे और कहते हैं कि प्रातःकाल ठंडर तीर्थ पर स्नान करके गुरु जी यहाँ स्थित एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न थे। अनेक श्रद्धालु उनके दर्शनार्थ आने लगे और श्रद्धालुओं में एक ज्वर से पीड़ित व्यक्ति भी था। गुरु जी ने उसे नीम के पत्ते खाने के लिए दिए और खाते ही वह स्वस्थ हो गया और इसी स्थान पर कालांतर में एक गुरुद्वारे का निर्माण हुआ जिसे नीम साहिब के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया है और यह किस जिले में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यमुनानगर। लगभग 220 करोड़ की लागत से इस परियोजना का निर्माण 100 वर्षों से भी अधिक पुराने ताजेवाला हेडवर्क्स के स्थान पर किया गया। इसका निर्माण पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर द्वारा सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति तथा हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाने के उद्देश्य से किया गया था। अभी तक यमुना नदी में ताजेवाला हैंडवर्क्स के ऊपरी भाग में पानी की पूर्ति 70,000 घन फुट होने पर नहरों को बंद करना पड़ता था जिसके कारण पश्चिमी यमुना नहर पर बने पावर हाउस बंद हो जाते थे और इस बैराज के निर्माण से यह समस्या भी समाप्त हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस बॉलीवुड प्लेबैक गायक को हरियाणा गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सोनू निगम। 11 जनवरी 2017 को गुरुग्राम में आयोजित एक प्रवासी हरियाणा दिवस समारोह में हरियाणवी पृष्ठभूमि से जुड़ी 19 नामी हस्तियों को हरियाणा गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। इन हस्तियों में सोनू निगम, रणदीप हुड्डा, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न से रितु व विकास योरन सहित कई नामी हस्तियाँ शामिल थी। और अगला प्रश्न है, मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, साहित्य।
मार्च 2017 में हरियाणा उर्दू अकादमी ने वर्ष 2013 के लिए उर्दू भाषा एवं साहित्य की विभिन्न विधाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए और मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार डॉक्टर के रत्तू को दिया गया और यह राज्य स्तरीय पुरस्कार है और इस पुरस्कार में 21,000 रुपये की इनामी राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार हरियाणा के मुंशी गुमानी के नाम पर है जिन्होंने 1832 ईस्वी में रियाज ए दिलरुबा अर्थात प्रियतमा का बगीचा शीर्षक से उर्दू में भारत का पहला उपन्यास लिखा था और कह सकते हैं कि हरियाणा में रचा गया उर्दू का पहला उपन्यास मुंशी गुमानी के द्वारा ही लिखित है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।